दीपिका पादुकोण ने कोने कोने से इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज जमा कर ली कि वो बन गई टॉप न्यूज मेकर ऑफ 2010। रणबीर और दीपिका के लिंकअप से नहीं बनी जितनी खबरें, उससे ज्यादा सुर्खियां तो बटोरी इनके ब्रेकअप ने। दीपिका ने एक चैट शो पर कर दिया ऐलान रणबीर को कॉन्डम्स गिफ्ट करने का और दे दिया था स्टेटमेंट कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने किया उन पर चीट। वहीं कभी अपने नए टैटू की वजह से वो रही न्यूज में, तो कभी सिद्धार्थ माल्या के साथ स्पेशल फ्रेंडशिप की वजह से। माल्या जूनियर और दीपिका को कई ओकेजन पर साथ साथ देखा गया, वो भी कोजी होते हुए। दीपिका न्यूज के अरीना में नए दीप जलाते हुए बन गए हैं न्यूज मेकर नंबर वन। सेकेंड स्पॉट पर शामिल हुई कटरीना की कहानी। कहानी आई एम सिंगल एंड आई एम नॉट सिंगल से कहीं ज्यादा आगे बढ़ी। यूं तो सलमान और उनके रिश्ते कई बार तोड़े और जोड़े गए, मगर इस साल तो लगभग ब्रेकअप की मोहर लग ही गई थी जब खबरें छाई कि कटरीना को वीर से छीन कर ले गया रणबीर। इस अजब प्रेम की गजब कहानी तो फिल्म रिलीज के बाद ही हवा में उड़ गई। जो बच गया वो था रिपीटेडली सलमान के साथ उनके ब्रेकअप्स और लिंकअप्स। कैट की पर्सनल लाइफ इस साल जहां ये कंफ्यूजन सॉल्व करती भी थी, वहीं कभी बाबी बन मार्केट में आई कटरीना तो कभी डिस्को और कॉन्सर्ट्स में खूब सुनाई गई उनकी जवानी की कहानी। इस साल फाइनली शीला जवान हो गई और इनकी जवानी में सलमान रणबीर से इश्क के कारनामों ने उन्हें बना दिया न्यूज मेकर ऑफ 2010। अपने सिंगलहुड स्टेटस के बावजूद रणबीर न्यूज मेकर नंबर 3 बनने से नहीं बचे। भले ही 2010 रणबीर के लिए रहा काफी एम्बैरसिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, वो गॉसिप के गलियारों में बड़े बड़े पोस्टर्स पर छा गए। एक तो दीपिका के कॉन्डम गिफ्ट करने के स्टेटमेंट से वो एम्बैरस हुए, दूसरे तब जब सोनम ने उनके स्टाइल क्वेश्चन पर कर दिया था कॉमेंट। दीपिका को चीट करने वाले उनके एक्स बॉयफ्रेंड का निशाना भी रणबीर पर लगा। सारी हाय तौबा बस ऐसी मची कि मानो रणबीर कोई प्लेबॉय हो। रणबीर से जुड़े गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। दीपिका की बिल्डिंग के सामने देर रात जाकर मिलने की गुजारिश भी आखिरकार छप गई अखबारों में। और ये भी सुनने में आया कि रणबीर अपनी इस बैड पब्लिसिटी करने वाले को बेताबी से ढूंढ रहे हैं। ढूंढेंगे क्यों नहीं, आखिर गुड न्यूज से न्यूज मेकर बने तो समझ आता है। पर जनाब वाज अ न्यूज ओनली फॉर रॉन्ग रीजंस। वैसे अगर उस डैमेज करने वाले को रणबीर ढूंढ ले तो क्या पता अगले साल भी बन जाए न्यूज मेकर। न्यूज मेकर नंबर 4 है अपना सल्लू भाई। सॉरी 2010 ने उन्हें दबंग के नाम से ज्यादा जाना। सलमान खान ने किया दबंग का ऐसा जबरदस्त प्रमोशन कि हर जगह बस छा गया ये खान। फेमस कर दिया चश्मा लगाने का ये स्टाइल और पतलून को ऊपर नीचे करने वाला ये स्टेप भी। सलमान की ये फिल्म बन गई इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। इतना ही नहीं, सलमान वाज आल्सो इन न्यूज टू गिव इंडस्ट्री अ न्यू टैलेंट लाइक सोनाक्षी सिन्हा। वीर के डिबाकल के बाद बॉक्स ऑफिस का असली दबंग बन गया सल्लू भाई। इसके अलावा अपनी शादी के रूमर्स को भी करते रहे सलमान वक्त वक्त पर शान। कटरीना के साथ उनके रिश्ते कैसे भी हों, सलमान मेड द न्यूज फॉर नॉट बीइंग इन न्यूज ऑफ एनी कमिटमेंट फॉर मैरिज। बॉलीवुड के बादशाह की बादशाहत को इस साल मिली कई बार ललकार और सब पर करते हुए वॉर किंग खान बन गए नंबर 5 न्यूज मेकर ऑफ 2010। साल की शुरुआत भी की खबरों से और एंड भी। माय नेम इज खान की पॉलिटिकल पार्टी के नेशन वाइड प्रोटेस्ट ने नहीं रोकी किंग खान के हौसले। पाकिस्तानी प्लेयर्स को सपोर्ट करने की वजह से किंग खान पड़ गए मुश्किल में, लेकिन फिर भी रिलीज हुई इनकी फिल्म और पोस्टर जलने के बावजूद भी फैंस ने दिया उनका साथ। साल खत्म होते होते छीन ले गए शाहरुख अपने राइवल सलमान से उनका दोस्त। साजिद नडियाडवाला की 2 स्टेट्स पर बेस्ड फिल्म साइन कर SRK अगेन मेड न्यूज। इतना ही बांग्लादेश जाकर पतलून पर स्कर्ट पहनकर नाचने के बाद बांग्लादेशी मीडिया ने उन्हें किंग ऑफ वल्गैरिटी बताया। वहाँ SRK कितने वल्गर थे ये तो पता नहीं, पर मुंबई आकर नॉटी जरूर बन गए जब खुद को करार दे दिया बेडरूम का बादशाह। वैसे एंटरटेनमेंट नहीं, SRK जैसी न्यूज भी शायद ही कोई और ला सकता है, तभी तो वो न्यूज मेकर 2010 में शामिल हो गए। ऋतिक रोशन, ये जनाब न्यूज मेकर के 6 स्पॉट पर सिर्फ इसीलिए शामिल हैं क्योंकि ही पुट ऑल हिज फैंस इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर। बाजार में लेकर आए दो बड़ी फिल्में, ना तो इनकी काइट्स ने उड़ान भरी ना ही इनकी गुजारिश को किसी ने कबूल किया। मच अवेटेड हाईली पब्लिसाइज्ड फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पर हो गया बंटाधार। नहीं हो पाया रोशन ऋतिक का नाम। फैंस बस इंतजार करते रहे कि काइट्स अब उड़ेगी तब उड़ेगी, मगर बाबरा के साथ बनाया विदेशी मांझा देसी पब्लिक ने काट दिया। कुछ ऐसा
यही हाल गुजारिश के साथ भी हुआ। इतना ही नहीं, मीडिया पर्सन के साथ मारा पीटी भी करते नजर आए ऋतिक रोशन। इनका ये एंटी क्रश एक्ट और फ्लॉप फिल्म्स इन्हें बनाती है न्यूज मेकर नंबर 6 फॉर 2010। अब शायद आने वाले साल में क्रिश्मा, हमारा मतलब है कोई करिश्मा इन्हें उबार पाएगा। सट्टा सोना पंजाबी मुंडा शाहिद कपूर नंबर 7 पर है न्यूज मेकर 2010 में। इस साल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हसीनाओं के साथ जुड़ा इनका रिपोर्टेड रोमांटिक कनेक्शन। कभी बदमाश बनकर अनुष्का को कंपनी देने की बातें सामने आई, तो कभी मौसम में सोनम के साथ गुल खिलाने की, लेकिन सबसे ज्यादा तो जनाब का कमीना मन पिगी चॉप्स के लिए धड़का। अजी धड़का क्या, इन्होंने तो उनके लिए अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लिया। दे दिया उन्हें लेट नाइट एयरपोर्ट ड्रॉप, जबकि प्रियंका मना करती रही। शाहिद न्यूज मेकर नंबर 7 फॉर 2010 तो बन गए, पर उनके इस लव क्वाड्रेंगल की मिस्ट्री तो अनसॉल्व रही। सोनम कपूर है न्यूज मेकर 2010 के नंबर 8 स्पॉट पर। अपनी शरारती मुस्कान से कई को घायल किया सोनम ने। पहले तो दीपिका पादुकोण को पहचानने से कर दिया इनकार, फिर उसी दीपिका के साथ बन गए पार्टनर इन क्राइम, और घायल किया रणबीर कपूर को जब उनके फैशन सेंस को बताया खराब। दीपिका और रणबीर की लड़ाई में फालतू में फंस गई सोनम। वैसे फैशन सेंस पर इनके भी उंगली उठी, जब एक इवेंट पर नजर आई ये अपने ट्राउजर्स को संभालती हुई। सोनम ऑलमोस्ट अवॉइडेड अ वार्डरोब मैलफंक्शन। वेल, हर फंक्शंस दिस ईयर मेड हर न्यूज मेकर नंबर 8। अपने काम की वजह से नहीं, बल्कि 2010 में लोगों को कॉफी पिला कर के जो बन गए नंबर 9 न्यूज मेकर 2010। करण की कॉफी कईयों को ऐसी कड़वी लगी कि इसकी कड़वाहट मिटाने वाली चीनी अब भी नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो रणबीर और ऋषि कपूर को कर दिया नाराज, जब सोनम और दीपिका ने करण के शो पर रणबीर पर किए उल्टे सीधे कॉमेंट्स। इसके बाद प्रियंका और करीना के बीच लगा दी आग, जब प्रियंका को कहना पड़ा कि उन्होंने अपने एक्सेंट वहीं से सीखी है जहाँ से करीना के बॉयफ्रेंड सैफ ने। केजो की कॉफी ना सिर्फ हॉट थी बल्कि बेटर भी, जो काफी है इन्हें न्यूज मेकर 2010 के 9th स्पॉट पर लाने के लिए। याना ने बस एक कपड़ा नहीं पहना कि छप गई इनकी इतनी तस्वीरें जितनी शायद आज तक इनके करियर में नहीं छपी होंगी। याना एक इवेंट पर आई और ये ऐलान कर दिया, She came, we saw, we captured something that wasn't a visual treat at all. लेकिन फिर भी this no panty girl made headlines. सिर्फ एक मिसिंग अंडरवेयर ने याना को बना दिया टॉक ऑफ द टाउन। याना ने भी मजे लेकर इस इंसिडेंट से डील किया और ये भी कहा कि वो अब किसी लॉन्जरी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए तैयार हैं, और हम तैयार हैं सर से पांव तक ढकी उप्स कुछ गायब कपड़ों में छिपी याना को नंबर 10 न्यूज मेकर 2010 बनाने के लिए।